हमारे करौली के बहरदा गांव में स्वाइन फ्लू से पहले एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी और उसके 15 दिन बाद में दूसरे व्यक्ति और मिल चुका था। जब तक कि गांव में कोई चिकित्सक टीम नहीं गई थी ना गांव में किसी तरह की वैक्सीन दी गई थी, मैंने उसी वक्त गांव में गई और एक वीडियो बनाया। वीडियो बनाते समय ही हमने ब्लॉक CMHO को फ़ोन किया और पूरी चिकित्सक विभाग वहाँ पर पहुँचा और गाँव के लोगों ने मांग की और चिकित्सक टीम गठित की गई और वहाँ पर डॉक्टर लगाया गया। अभी यहाँ पे क्या बदलाव आया है? अब थोड़ा बहुत लोगों को आराम मिला है, सभी लोगों को। यहाँ मेडिकल टीम आ रही है, लगातार आ करके दे रही है। दीपावली होली के टाइम पे थोड़ा सा धुलंडी के दिन जरूर नहीं आ पाए थे, बाकी रोजाना आ रही है टीम, सभी को दवाइयाँ दे रहे हैं बराबर, जिससे लोग आगे यहाँ के पूरे संतुष्ट हो रहे हैं और किसी तरह कोई परेशानी है नहीं। अभी आपके गांव में जो ये स्वाइन फ्लू का पेशेंट मिला उसके बाद में जो बदलाव आया, टीम आया, वो कैसे आया बताइए? नहीं, आप लोगों ने अच्छा किया, न्यूज निकाली, आप लोगों ने ये आदमियों को संदेह करा, सबको प्रशासन को जगाया, सभी लोगों को महसूस हुआ कि यहां पर फ्लू की शिकायत है, जांच की जाए। तो इसके बारे में तो ये कि ये लोग आ रहे हैं, जांच कर रहे हैं, कोई पेशेंट फिलहाल में दूसरा मुकेश मिला रोगी, तो वो जयपुर रही है, उसकी छुट्टी हो गई, नॉर्मल, कोई बात नहीं है अभी। लेकिन हमारा कहना तो यही है मैडम, बार बार के हॉस्पिटल होना चाहिए, कोई भी छोटा चाहे दो डॉक्टर बैठे परमानेंट, ऐसे नहीं कि चार दिन के लगा दे कि महीने भर के लिए, वो उससे काम तो चलेगा ना। मैं अपने समुदाय में कैमरे की मदद से फिर एक बार मुझे पर्वत लाने में प्रोत्साहन मिला। गांव में सभी लोग खुशहाल हैं, गांव में जो बहता वह खत्म हो चुका है। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।